कोशिश कर रहा है ये लोग प्रशासन से। टोपी निकालो यार, एक मिनट प्लीज। आप लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पे किया था, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? देखिए आम आदमी, मैं आकाश मिश्रा हूँ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आपने देखा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के राज में किस तरह जंगल राज फैल रहा है, और योगी जी होर्डिंग्स पर लिखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से आज ये जो जंगल राज है इसकी ख़त्म हो गई। अभी आपने देखा प्रयागराज में किस तरीके से एक परिवार के चार लोगों की निशंस हत्या हो गई, और वो हत्या भी किस तरीके से हुई आप देखिए। उस परिवार ने 2019 में शिकायत करी, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस परिवार ने 2020 में शिकायत करी, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा था, तब भी कोई शिकायत उस पर दर्ज नहीं हुई। अभी सितंबर में उस परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ दबंग परिवारों द्वारा उनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है और मारपीट हो रही है। सितंबर में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली नवंबर में उनके परिवार के चार लोग नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कितना अमानवीय कृत्य है, क्योंकि उनके माँ को, उनके बाप को, उनका बेटा जो मूक था, जो बधिर था। मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं, क्योंकि बहुत अमानवीय है, और जब भी समाज में कुछ भी अमानवीय घटना घटती है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन करने का काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो मूक बधिर लड़का जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी हसिया से काट कर हत्या कर दी गई, और वो 17 साल की बेटी, पहले उसका सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और योगी जी को चेताती कि योगी जी सुधर जाइए, और इस जंगल राज से अब यहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, और इसको आगे नहीं चलने देंगे हम लोग।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमारी मांग ये है कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करी जाए, इस जंगल राज के खिलाफ उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, और आगे आने वाले समय में जो अमित शाह जी आते हैं और दूरबीन लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे साफ हो गए, उनको दूरबीन की जरूरत नहीं है, वो आंखों से अपने अगल बगल देख ले तो शायद उनको उत्तर प्रदेश में गुंडा राज दिख जाएगा योगी आदित्यनाथ का।